जलमार्ग से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सड़क और रेल मार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। भारत में अनेक नदियां बहती हैं जो जल परिवहन के लिए उपयुक्त हैं। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने भारत में नदियों पर जलमार्ग की अवधारणा की है, जो देश के कई भागों को जलमार्गों के द्वारा जोड़ने में सफल हुआ है। इसके फलस्वरूप समूचे देश में जलमार्गों के जाल माध्यम से जल यातायात में वृद्धि हुई है। व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए IWAI द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर मल्टी मोडल टर्मिनलों का निर्माण किया गया, जिसमें से हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल प्रमुख है। हुगली नदी के तट एवं बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर 607.73 करोड़ रुपए की लागत से बना हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल अपनी बेजोड़ भौगोलिक स्थिति एवं लाभदायक व्यापारिक परिदृश्य के कारण विशेष स्थान रखता है। हल्दिया टर्मिनल खूबसूरत सुंदर वन को राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 16 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के द्वारा बांग्लादेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अतः ये टर्मिनल एक अंतर्राष्ट्रीय गेटवे है। 61 एकड़ में फैले हल्दिया टर्मिनल की वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 3.07 मिलियन मेट्रिक टन है। 465 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 800 मीटर लंबा एवं 8.4 मीटर चौड़ा कवर्ड कन्वेयर गैलरी है। इससे फ्लाई ऐश, कोयला, स्टोन चिप्स एवं कई अन्य स्थानीय उत्पादों के निर्यात में आसानी होगी। साथ ही विश्व के विभिन्न कोनों से आयात को सुगम किया जा सकेगा। इसका मुख्य लाभ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आज हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। गंगा नदी उत्तर भारत की जीवन रेखा है और ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। स्थानीय किसानों और व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा जल मार्ग विकास परियोजना 2 की शुरुआत की गई है, जो अर्थ गंगा की सतत विकास मॉडल अवधारणा पर आधारित है। स्थानीय किसानों, नागरिकों एवं खुदरा व्यापारियों के लिए 60 से अधिक सामुदायिक जेटियों का निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए 7 कम्युनिटी जेटी का उद्घाटन हुआ। इन सभी जेटियों में रैंप, शेडेड वेटिंग एरिया, सार्वजनिक सुविधाएं, टिकटिंग काउंटर व एडमिन रूम, सोलर लाइट आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इससे वे आसानी से यात्रा कर अपनी उपज को स्थानीय बाजारों में ले जाकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इससे कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे एवं आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा। हर साल बाढ़ के कारण गंगा नदी के बहाव में बदलाव आता रहता है और ऐसी स्थिति में इस तरह की सामुदायिक जेटी लोगों की आवाजाही को हर मौसम में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश में 4 सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ बिहार में 5 सामुदायिक जेटी का शिलान्यास किया गया है। सामुदायिक जेटी विशेष रूप से वाराणसी जैसे स्थानों में स्थानीय पर्यटन के अवसरों को विकसित करने में मदद करेंगे। इससे जल पर्यटन को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। सामुदायिक जेटियों के निर्माण से जहां स्थानीय व्यापारियों, किसानों और नदी के किनारे रहने वाले आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, वहीं मल्टी मोडल टर्मिनल के निर्माण से देश विदेश के व्यापारियों को देश में निवेश के अवसर प्राप्त होंगे।